एक्सरसाइज नंबर एक, सीटेड डंबल हैमर कर्ल। दोस्तों इसमें डंबल को न्यूट्रल ग्रिप में पकड़कर एक्सरसाइज को कुछ इस तरीके से करें। यह आउटर बाइसेप्स के लिए काफी इफेक्टिव एक्सरसाइज है, साथ ही यह फोरआर्म्स को भी ट्रेन करती है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 2, इजी बार कर्ल। दोस्तों यह बाइसेप्स के लिए काफी अच्छी एक्सरसाइज है, इससे बाइसेप्स का शॉर्ट हेड तेजी से ट्रेन होता है। इस एक्सरसाइज को आपने इजी बार लेकर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3, डंबल कर्ल। दोस्तों इस एक्सरसाइज को आप खड़े होकर या बैठकर किसी भी तरह कर सकते हैं। इसमें फॉर्म का ध्यान रखें, बॉडी को ज़्यादा स्विंग ना करें, सिर्फ एल्बो को ही ऊपर और नीचे करें। इससे बाइसेप्स का लॉन्ग हेड ट्रेन होता है। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 4, इनक्लाइन स्कल क्रशर। दोस्तों यह ट्राइसेप्स के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है, इससे ट्राइसेप्स का साइज तेजी से गेन होता है। इसे इनक्लाइन बेंच पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म किया जाता है। इसमें एक बात का ध्यान रखें, सिर्फ अपनी एल्बो को ही ऊपर और नीचे करें। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 5, रोप केबल पुश डाउन। इस एक्सरसाइज को केबल पुली मशीन पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करें। रोप को नीचे लेके जाएं, तब ट्राइसेप्स को स्क्वीज करें और ऊपर अच्छी तरह से स्ट्रेच करें। इससे ट्राइसेप्स में अच्छी कटिंग आती है। आप इसके 3 से 4 सेट 10 से 12 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 6, मशीन ट्राइसेप डिप। दोस्तों यह एक्सरसाइज ट्राइसेप्स के लॉन्ग हेड और मिडिल हेड के लिए काफ़ी अच्छी एक्सरसाइज है। इसे आपने इस मशीन पर कुछ इस तरीके से परफॉर्म करना होता है। आप इसके 3 से 4 सेट 12 से 15 रिपीटेशन के लगा सकते हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।